तो आज इस वीडियो में मतलब मॉडल सेट के जो क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है, जो कि 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या है क्वेश्चन 30 नंबर में। तो 31 में हम लोग पास में है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, हम लोग क्या करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चन को कैसे बहुत इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले आपके पास में जो नंबर दिए होते हैं, ठीक है, उन नंबरों को क्या करना था अभाज्य गुणनखंड इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 के टेबल में 4 बार में है, 1 बज जाएगा 16 हो जाएगा 8 बार में, फिर 2 के टेबल में 2 और ये 4 बार में, फिर 2 के टेबल में ये 1 और ये 2 बार में, फिर से 2 के टेबल में ये 6 बार में, और 2 के टेबल में ये 3 बार में कट जाएगा, और 3 के टेबल में पूरा पूरी 1 बार में कट जाएगा। इसी तरह 404 दिया हुआ है तो 404 को भी हम लोग तोड़ लेंगे, तो 2 का टेबल में ये कितना हो गया 2 बार में, फिर 0 ये 2 बार में, फिर हम लोग 2 का टेबल में 1 और इतने बार में हो जाएगा, 101 का टेबल में ये 1 बार में आएगा। तो दोनों ही नंबर को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 96 को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 1 2 3 4 5, है ना, यानी 2 5 बार है, दो पांच बार है, 1 2 3 4 5 और 3 1 बार है। 404 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 101 लिख सकते हैं। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, जो दो नंबर जो जो नंबर मिलेंगे उसको हमको मल्टीप्लाई में लिखना है, 2 दोनों में है, 2 दोनों में है, तो 2 बार लिख दिए, गुना करने पे कितना है 4, यही आंसर हो गया एलसीएफ, ठीक है। एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालना भी बहुत आसान है, आपको सबसे पहले नंबर देखना है कौन कौन सा नंबर है, 2 है 3 है 101 है, तो 2 सबसे ज्यादा बार कहाँ है, यहाँ है, कितने बार है 1 2 3 4 5 बार, यहाँ 2 बार है, तो जहां ज्यादा बार है वो वाला लिखेंगे, 5 बार है तो 2 को 5 बार हम लोग गुना कर देंगे, 1 2 3 4 5 बार, ठीक है। उसके बाद 3 सबसे ज्यादा बार कहाँ है, एक ही बार है तो 1 बार है तो लिख देंगे, 101 सबसे ज्यादा बार कहाँ है, एक ही बार है तो 1 ही बार है तो 1 बार हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब ये सारे नंबर मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 96 96 आएगा, जो कि हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।